हेलो फ्रेंड्स, ये है फायरबॉल का निंजा कॉल 2। इससे पहले निंजा कॉल 1 भी लॉन्च किया गया है और कई आर्टिकल्स को एक साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलता है 1.7 यानी 43 mm ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है ये, और सबसे लोएस्ट प्राइस में ये कॉलिंग वॉच है। जितने भी अभी तक आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं उन सभी में सबसे लोएस्ट प्राइस इसी वॉच का है। आपको लोकल म्यूजिक प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, 27 स्पोर्ट मोड्स हैं इसमें, IP68 वाटरप्रूफ है। पहले जो आर्टिकल आते थे IP67 होता था। इसमें इनबिल्ट गेम्स भी देखने को मिलती है और 10 डे का बैटरी बैकअप है इसका। हार्ट रेट ट्रैकिंग है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, ऑक्सीजन मॉनिटर है जो जैसे मैंने आपको बताया, 27 मोड्स और प्ले म्यूजिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग, मल्टीपल वॉच फेसेस, स्लीपिंग मॉनिटर, कैमरा कंट्रोलर, वेदर अपडेट, स्मार्ट नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर। और जो लास्ट वॉच थी जो इसके निंजा के विदाउट कॉलिंग में थे उसमें ब्रीथिंग फीचर नहीं था, इसमें ऐड किया गया है। अब हम इस वॉच की अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी चार्ज करके रखा है। कस्टमर का एक पैक पीस है, कस्टमर ने अपने लिए सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको पिंक स्ट्रैप अटैच किया हुआ। इधर ये ब्लैक स्ट्रैप में, ब्लैक कॉम्बिनेशन में आती है ये वॉच। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो इसके वॉच फेसेस हैं वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव बनाए गए हैं, ये देखिए। बाकी जितने भी पहले आते थे उनमें वॉच फेसेस बहुत ही सिंपल होते थे, पर इसमें काफ़ी अच्छे हैं। जो मेरे को ये वाला वॉच फेस काफ़ी अच्छा लगा। अब हम इसको डाउन स्लाइड करेंगे, सबसे ऊपर आपको ये देखने को मिलता है डोंट डिस्टर्ब मोड। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जो वॉच का टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो कॉल्स आएंगे या नोटिफिकेशन आएंगे वो रिसीव नहीं होंगे। यहाँ से ब्राइटनेस का है, कम ज़्यादा जैसे करना आपने। इसके बाद आता है टाइमर, टाइमर फीचर, आप टाइमर लगा सकते हैं 1 मिनट का, 5, 3, 30 यानी कि 2 घंटे तक का इसमें टाइमर है। इसके अलावा कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं इसको, तो ये अच्छा है क्योंकि लास्ट जितने भी थे उनमें कस्टमाइज फीचर नहीं था। इसके बाद आता है फ्लैश, फ्लैश यहाँ से फ्लैश ऑन होगी। कैमरा फीचर ये भी यहाँ पे ऐड किया गया, नहीं तो जितने भी आर्टिकल्स आते हैं ये फीचर्स इनमें अवेलेबल नहीं होते, यानी डाउन स्लाइड पे ये अवेलेबल नहीं होते। इसके बाद आता है सेटिंग, सेटिंग में आपको सबसे पहले डिस्प्ले, डोंट डिस्टर्ब, लो पावर मोड ये इसमें ऐड ऑन किया गया। लो पावर मोड अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप देखेंगे इसकी बैटरी जो इसकी डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है क्योंकि लो पावर मोड ऑन हो गया है। इसके बाद आता है सिस्टम, सिस्टम में आपको रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट, ये 3 देखने को मिलते हैं। जितने भी इसमें आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं जितने पहले आर्टिकल्स आते थे उनमें अवेलेबल होते थे तकरीबन, लेकिन उसकी लुक डिफरेंट होती थी। उनमें ये लो पावर मोड नहीं होता था, इसमें लो पावर मोड ऐड किया गया। अब हम आते हैं बाहर। यहाँ से अगर हम लेफ्ट स्लाइड करते हैं सबसे पहले आता है ऑक्सीजन मॉनिटर, ऑक्सीजन मॉनिटर। इसके बाद ऐड कंपोनेंट आते हैं, ऐड कंपोनेंट में जो कंपोनेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे स्लीपिंग मॉनिटर हो गया, वेदर हो गया, हार्ट रेट हो गया, फ़ोन का हो गया, जैसे आप यहाँ पे फ़ोन डायलर ऐड कर सकते हैं। जितने भी आप कंपोनेंट ऐड करना चाहें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जितनी पहले वॉचेज आते थे वहाँ पे आपको जो ऑलरेडी जो कंपोनेंट्स होते थे वही डिस्प्ले होते थे, लेकिन इसमें डिफरेंट है। अब हम राइट स्लाइड करेंगे, तो राइट स्लाइड किया तो आपको जो स्प्लिट स्क्रीन मोड है देखने को मिलता है। इसमें जो जो आपने एप्लीकेशंस यूज़ की होंगी, जो रूटीन बेस पे आप यूज़ कर रहे होंगे वो सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे हार्ट रेट हो गया, मैसेज नोटिफिकेशन टैब हो गया, ये सब फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये इस वॉच में काफ़ी अच्छा किया गया क्योंकि पहले जो थी वो बिल्कुल सिंपल थी। अब यहाँ पर आता है नो मैसेजेस, यानी अप स्लाइड करने पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है स्मार्ट मोड जो एप्लीकेशंस हैं उनका। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन वेदर है,
इसके बाद सेटिंग है, इसके बाद फ़ोन मोड है। फ़ोन मोड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अभी पेयरिंग नहीं है, इधर आपको देखने को मिलता फ़ोन कनेक्टिविटीज़ का। इसके बाद आता है स्टॉप वॉच, जो मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग फीचर, जो बाकी वॉच पहला जो आर्टिकल था उसमें से रिमूव कर दिया गया था। इसमें आपको एक्सरसाइज मोड है, एक्सरसाइज मोड में हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था 27 एक्सरसाइजेज मोड हैं इसमें, तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है O2, देन ये भी फ़ोन पेयरिंग के लिए, टाइमर, स्लीप मोड, वॉच फेस, फ्लैश, पावर ऑफ, कॉन्टैक्ट्स, फोन फाइंडर, स्पोर्ट्स मोड, मैसेजेस, कैमरा, हार्ट रेट, अलार्म, एंड लास्ट वन है म्यूज़िक। म्यूज़िक जो मैंने आपको बताया था लोकल म्यूज़िक प्ले होते हैं अगर आपका पेयरिंग हो रखा हो तो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी जितनी भी वॉचेस थी उनमें भी ऐसा ही होता था, लेकिन उनमें फ़ीचर्स की लुक का डिफरेंस होता था। कई कस्टमर का यही क्वेश्चन होता है कि जो इसका साइड बटन है वो वर्क करता है या नहीं। ये साइड बटन सिर्फ लुक के लिए दिया होता है, और यहाँ से आपने मोड चेंज करना होता है तो उसके लिए ये दिया होता है। अब हम देखते हैं यहाँ से अगर 2-3 बार प्रेस करने पर, ये देखिए मोड चेंज हो गया, यानी पहले था स्मार्ट मोड था, अभी नॉर्मल 3-tab डिस्प्ले मोड आ गया। कई कस्टमर्स के लिए ये इजी होता है, कई कस्टमर के लिए वो इजी होता है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको दो बार इसको प्रेस करना होता है, साइड बटन को दो बार प्रेस किया चेंज हो गया, दो बार प्रेस किया चेंज हो गया। तो ये है आपका फायरबॉल निंजा कॉलिंग। अब हम इसकी बैक साइड पे अगर आपको दिखाएं, ऐसे तो इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है, प्रीमियम लुक में ये बनाया गया है। यहाँ से केस भी मेटल का है, जितनी भी इसकी वॉचेज आती है सभी में मेटल केस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्ट रेट सेंसर और साथ ही साथ ऑक्सीजन मोनिटर सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं। मैग्नेटिक पावर जो चार्जिंग पावर है वो यहाँ पे आपको कनेक्टेड होती है, और बड़ा इजी कनेक्टिविटी होता है। और जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे पुराने आर्टिकल्स थे उनमें कुछ टाइम वेट करना पड़ता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और चार्जर कनेक्टिविटी भी काफ़ी सुपीरियर है इसकी। ये देखिए मैं गलत साइड कर रहा हूँ तो नहीं पिक कर रहा, अब मैं राइट साइड को करूँगा तो ये देखिए। तो ये है आपके सामने फाइव और निंजा 2। अगर आपको किसी तरह के कोई क्यूरीज हो तो आप मेरे को कमेंट करके जान सकते हैं। एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस का प्रोसेस जो है बाकी वॉचेस की तरह सिमिलर है, फिर भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसके कॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस ज़रूर बताऊंगा। बने रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।